गिव अप नहीं किया, पर उसके साथ साथ बहुत सारे लाखों बच्चों ने गिव अप कर जाते हैं, कोई सुसाइड तक भी पहुंच जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो यार अभी एक बॉलीवुड मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिस मूवी का नाम है मैं लड़ेगा, और इसमें है स्टारिंग आकाश प्रताप सिंह, तो आई थिंक ही इज अ न्यूकमर। तो चलो यार ये ट्रेलर देखते हैं, फिर देखते हैं इसमें ट्रेलर में क्या नया बॉलीवुड लेके आया है और इसमें क्या स्टोरी होगा। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेलर। बॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी में किसका नंबर डायल करना है? नाना का 600-940-8934। और पापा से बचने के लिए कहाँ छुपोगे? स्टोर रूम में बक्से के पीछे और अंदर से कुंडी लगानी है। बारा। जय हिंद। क्या नाम है आपका? आकाश। फौज में नाम का मतलब होता है पूरा नाम। आकाश प्रताप सिंह। कोई भी बात हॉस्टल वार्डन को बताना मतलब तेरी परेड है। हमारा रूल है, हमारी प्रॉब्लम्स हमारे भी। हेड ड्रैगन। स्पोकेड। नहीं था यार, नहीं नहीं था। तू रोएगा नहीं और इसे भागेगा भी नहीं, तू लड़ेगा। आपको बॉक्सिंग सीखने में कितना टाइम गया था? आपने भी तो कभी ना कभी शुरुआत की होगी ना, तब आपको भी कोई नहीं सिखाता तो? क्यों सीख रही है तुझे बॉक्सिंग? लाइफ आपको जब भी नॉकआउट करके नीचे गिरा देना, वहां गिरे नहीं रहना है, हर बार वापस उठना है और फिर से लड़ना है। सही है, लड़ना सीख रहे हो। भैया वो ना मुझसे अच्छा बॉक्सर होगा, पर इस फाइट को जीतने की वजह उसके पास मुझसे बड़ी नहीं है। तो यार ये ट्रेलर इमोशन और मोटिवेशन से भरा हुआ है। अगर आप इमोशन की बात करें तो इस मूवी में, इस ट्रेलर में जो दिखाया गया है कि एक बच्चा घर में फादर के डर से कहां छुपने की बात करता है, और साथ साथ स्कूल में बुलिंग, घर में वॉयलेंस, उसका मेंटल हेल्थ कैसी होगी यार, वो कैसे तड़पता होगा अंदर से। एक सीन देख के कुछ अजीब सा लगा कि यार अभी तक बुलिंग हर जगह होती है पर कभी भी जस्टिफाई नहीं होती बुलिंग की। यार जब हम किसी की बुलिंग करते हैं तो हमें किसी को खींचते हैं, बोलते हैं टांग खींचते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि अगला इंसान घर से कितना परेशान आया है, उसकी क्या उसकी हालत है पीछे से, और शायद वो अभी नहीं बोल रहा है, उसकी बहुत सारी मजबूरियाँ हो सकती हैं। तो इसके साथ साथ मोटिवेशन इसलिए है कि क्योंकि वो बच्चा गिव अप नहीं करता है, वो लड़का गिव अप नहीं करता है और वो बॉक्सर बनता है। अगर ये टू इवेंट्स के ऊपर मूवी बनी है, ये ट्रेलर इसमें दिखाया गया है, तो पता नहीं कितना उन्होंने सच्चाई ली होगी इस टू इवेंट से, पर आप इमेजिन कर सकते हैं वो इंसान जो बाद में एक सक्सेसफुल बॉक्सर भी बनता है, पर उसके पीछे का उसका रोना कितना दुखता होगा उसका दिल। तो यार ये बहुत ही प्यारा है, हम हमेशा ही मास एक्शन मूवी को पसंद करते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, पर ऐसी मूवी बनती है यार हमें उन मूवीज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक मैसेज होता है सोसाइटी के लिए, अगर आने वाले बच्चों के लिए, अपने भाई बहन। अगर आज हम देखते हैं हमारे सामने कोई हमारा कज़न या बोलते ना कि वो इज लाइक ए कूल डूड इन स्कूल और कॉलेज में वो बुली करता है, शायद हमारा दूसरा भाई या बहन उसी लाइन में खड़े हो सकते हैं, कोई उनकी बुलिंग कर रहा होगा तो वो कैसे आएंगे यार एक परेशान हो के घर में। तो अगर आपके सामने कोई होता है तो हमेशा रोकिए यार उनको। अगर आप इस मूवी को देखें तो इस मूवी में आप समझ सकते हैं कि वो लड़का कितना रोता है, और वो उसकी एक प्लस पॉइंट था उसने गिव अप नहीं किया, पर उसके साथ साथ बहुत सारे लाखों बच्चों ने गिव अप कर जाते हैं, कोई सुसाइड तक भी पहुंच जाता है। अच्छा सा एक मोटिवेशनल सा एक ट्रेलर था, और मोटिवेशनल के साथ साथ थोड़ी सच्चाई भी है जो हम एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, तो ये नहीं होना चाहिए, बट वी कांट स्टॉप एवरीथिंग ऑन वंस, बट वी कैन ट्राई बेबी स्टेप। तो चलो यार, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप दिस मूवी विल गेट ह्यूज 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 सक्सेस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय।